अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी पीपल्स पार्टी के नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ। अपोजिशन एक होती नजर आ रही है और अपोजिशन के जो सियासी तंज के निश्तर हैं उसमें भी तेजी दिखाई दे रही है। अगर मैं बात कर लूँ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आमिर खान साहब की, तो वो कहते हैं कि ये जो नफरत की सियासत है ये बहुत पुरानी है और इसमें ये जो वजीर आला सिंध का जो ऑन असम्बली जो स्टेटमेंट है इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना खप्पे की जो है वो बू आ रही है। ये तमाम चीजें हैं, देही और शहरी की तफरीक बिलावल के नाना ने पैदा की। पहले हमने देखा कि सईद गनी की जानिब से भी कुछ जुमले सामने आए थे जो कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। मामला वो कहते हैं बल्दियाती तरमीम पर रोजाना नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। 2013 का एक्ट उठाकर देखें तो अब हमने इस बल्दियाती एक्ट को ज्यादा मजबूत किया है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं छीना गया, टाउन्स का मुतालबा किया गया, वो मुतालबात भी हमने मान लिए, तमाम चीजें कर ली। मेयर के लिए तजवीज दी गई थी कि मेयर को मुंतखब किया जाना चाहिए, उस पर भी तमाम चीजें हमने मानी। तो हमने कहां पर लेट डाउन किया आपको, ये तमाम चीजें। और फिर सईद गनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर पहले भी शामिल कर चुके हैं कि उसमें ये कहा गया था कि एहतजाज का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए, तमाम चीजों को मान लिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का मौकफ लेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहीन शेर अली साहिबा। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूंगा, पूरी ऑपोजिशन एक होती नजर आ रही है, पूरी ऑपोजिशन के जो जुमले हैं तंज के निश्तर है वो उसमें तेजी आ रही है, क्या करने जा रही है आपकी हुकूमत? जी आपका शुक्रिया। देखिए, ये जो बल्दियाती एक्ट जो आया है, ठीक है, ये 2013 में जो था इससे बेहतर है, पावरफुल किया जा रहा है। कहते हैं ना, पावर को निचली सतह तक लेके जाओ, ठीक है। एक मेयर हो, एक चेयरमैन हो, टाउन मेंबर हो, वो पावरफुल हो, ठीक है। अब जो अपोजिशन जो किरदार निभा रही है यहाँ पर, जब सईद गनी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी पार्टियों को जो है वो लेटर भेजे कि आप अपनी तजवीज दें। ये कब भेजे, बिल पास होने के बाद? देखें, बिल पास होने से पहले, हाँ। आप देखें, परसों जो है वो सईद गनी, वकार भाई, वो गए मुस्लिम लीग नून वालों के पास। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तजवीज थी, आप लोगों ने हमसे प्रपोजल मांगे लेकिन हम दे नहीं सके। तो यानी कि एक पार्टी को तो नहीं भेजा, सारी पार्टियों को भेजा गया। अब इनके पास कोई सियासत रही नहीं, किसी और चीज को ये एहतजाज नहीं कर रहे। एक सवाल यहाँ पर है, अपोजिशन शुरू दिन से, जब से ये बिल पेश किया जाना था, अचानक से स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं पेश किया गया और फिर अपोजिशन को कॉपीज भी नहीं दी गई, ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है, तब से एक ही मुतालबा है कि हमें शामिल क्यों नहीं किया गया इस बिल की तजावीज में? उस वक्त कहां थी पीपल्स पार्टी, ऐसी हुकूमत? देखिए, उस दिन भी असेंबली में जब ये बिल आया तो बिल की कॉपियां सबको प्रोवाइड की गई थी। जिस तरह इन लोगों ने असेंबली के अंदर जो एहतजाज किया वो एहतजाज का तरीका ही गलत था। अच्छा, हमेशा जमहूरी पार्टियां एहतजाज करती हुई आ रही हैं, लेकिन इस तरह का माहौल जो इन लोगों ने बनाया था असेंबली के अंदर, आज से पहले ये माहौल नहीं देखा गया है। जब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब सईद गनी मिनिस्टर साहब जब कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप आए, आप बात करें, आप लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही वो है कि हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे। ये तो तब का मामला है ना शाहीन साहब, जब ये बिल पेश कर दिया गया था असेंबली के अंदर, फिर स्टैंडिंग कमेटी का भी रुख नहीं किया गया था, वो भी एक अलग ही मसला है, वो मामला, उसमें बहस होती, डायलॉग्स होते, आर्ग्यूमेंट्स होते, तमाम चीजें, वो तमाम चीजें स्किप कर दी ना आपने, फिर उसको पेश किया गया तब ये वावेला हुआ है। देखिए बिलाल, इनसे पूछा भी गया, ठीक है, इनसे बातचीत भी हुई, लेकिन ये लोग जो है वो खुद जो है वो आना नहीं चाह रहे, अपने आप को इस शहर के अंदर एहतजाज के जरिए जिंदा रखा जा रहा है। वही पार्टियां जो वफाक के साथ जो है वहां पे फेडरल में बैठे हुई हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं निकल रहे? मुल्क में एक बड़ा इशू जो है वो इस टाइम एक महंगाई की सूरत में भी है। गैस, अच्छा, इस मुल्क में नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं है,
सिंध के सिंध में ना गैस दी जा रही है प्रॉपर, ना बिजली दी जा रही है, और इतनी महंगाई है। अपने एहतजाज में इस चीज को क्यों ये लोग ऐड नहीं कर रहे हैं? वफाक मुझे, को मुझे कुछ एक बात करने, बताएं साहब, वफाक को कुछ करने के लिए, आप सिर्फ क्या वफाक समझती को हैं कुछ करने के लिए इस हो बिल रहा है में मेयर को एम्पावर किया गया है? जी? बिल्कुल, कैसे? देखें जो मेहर होगा ठीक है, उसके ही माते जो है ना, वो बहुत सारी चीजें इस बिल के अंदर हैं। जो मेहर होगा वही वाटर बोर्ड का जो है वो वाइस चेयरमैन होगा ठीक है, सोलर बेस मैनेजमेंट जो है वो उसके पास आ जाएगा, टैक्स सॉलिड कलेक्शन वेस्ट जो है मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन मुंतखब करेगा? वो तो वजीर आला करेंगे ना, जिसकी कमांड जिसके हाथ में होगी उस शख्स को तो वजीर आला अपॉइंट करेंगे। देखिए मेहर मेहर को जो है पावर दिए जाएंगे, और वो बिल्कुल देखिए आप इस बिल को पढ़े ना, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपोजिशन खुद देखना नहीं चाहती है। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है वो जिंदा रखने के लिए ये एक ड्रामा किया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये शहर हमेशा इनके हाथों में था, सिर्फ इन लोगों ने इस शहर को दिया, चाइना कटिंग भी क्या दिया इन लोगों ने। अच्छा बिल मेहर तो पास हमेशा करा लिया इनका गया रहा ना, है, लेकिन मेहर हमेशा इनका रहा है, ये जो लेकिन ये लोग कुछ वजीर कर नहीं साहब का सके। स्टेटमेंट है जिसको तमाम सियासी जमातें अब उस पर तबसरे कर रही हैं कि अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज आ रही है इस जुमले में। जी नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद जो इस मुल्क की सूरत हाल है, उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही नारा लगाया था कि पाकिस्तान कपे, हमें पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को जमहूरियत की राह पे गामजन करना है। कभी भी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान दुश्मनी पॉलिसी को ना अपनाया है, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बात पीपल्स पार्टी ने ना की है, और ना ही आइंदा पीपल्स पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है और कुर्बानियां दी हैं, और आइंदा भी पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए जद्दोजहद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मजबूत लीडरशिप मौजूद है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑपोजिशन एहतजाज करती नजर आ रही है और अब एहतजाज में मजीद तेजी और पुख्तगी दिखाई दे रही है, तमाम ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर है, इस तरह के जो सियासी जुमलेबाजी है खास तौर पे वजीर आला की जानिब से, आप लोगों की पार्टी के आला हाई ऑफिशियल्स की जानिब से, कि जो एमक्यूएम है इनके बानी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, तो ये वो लोग हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना, जिस जिसने वो नारा लगाया आज वो पार्टी में नहीं है, इस तरह के जुमले फिर क्यों दिए जा रहे हैं? देखें जब पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जब नारे इनके पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने मारे ठीक है, उसके बाद ये दड़ों में तकसीम तो हो गए, माइनस कर दिया लेकिन ना? आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ये मैसेज आता है कि आज भी इनके रास्ते हैं। नहीं प्रूफ तो कुछ नहीं है ना, ये तो सारे मफरूजात हैं, यानी कि जो माजी में एक दाग लगता है ना तो वो फ्यूचर में भी जो है ना उसके इंकशाफ होते हैं। माजी में आप लोगों पर भी बड़े दाग हैं, लियारी के अंदर अमन कमेटी, उससे राबते, उजैर बलोच से राबते, ये सारे दाग आप पर भी हैं, धुल गए क्या? देखें वो एक अलग वो है, किसी से कोई राबता नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज लियारी के हालात बहुत अच्छे हैं, और लियारी उसमें, के उसमें लोग किसका किरदार है? उसमें तो पिछली गवर्नमेंट का किरदार है, नून लीग का किरदार नहीं है क्या? इससे अपना नवाज शरीफ के दौर में भी ऑपरेशन हुआ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कमाल नहीं है क्या इसमें? पीपल्स पार्टी ने क्या किया उधर? देखें पीपल्स पार्टी आज भी लियारी के लोगों के दिलों के अंदर जो है वो जिंदा है, पीपल्स पार्टी को वहां के लोग जो है वो पसंद करते हैं। जिस तरह सेलेक्ट करके वहां पे एक एमएनए को बिठा दिया गया है, उस बेचारे से जो है ना कुछ हो नहीं पा रहा है, लोग आज भी पीपल्स पार्टी को देखते नहीं, अगर हैं। जिंदा में, हैं लोग तो लोगों में, ने वोट क्यों नहीं दिया फिर आपको? कराची से अक्सरियत होनी चाहिए थी आपकी। जितने भी काम हुए हैं लियारी में
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमएनए, वो बेचारा एमएनए जो है वो सेलेक्ट हुआ है, वो इलेक्ट नहीं हुआ है। लियारी के लोगों ने, लियारी के आवाम सपोर्ट कर रही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो सिलेक्शन है। पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया है। ये रातों रात जो रिजल्ट जो चेंज हुए हैं वो उसी का ही नतीजा है। तो अंदरूनी सिंध में क्या हुआ? वो सारे आपके वोट्स थे, उस उधर कहीं धांधली नहीं हुई? नहीं नहीं, सिर्फ कराची में धांधली हुई है। मैं जहां धांधली हुई है कराची में, तो सबसे ज्यादा धांधली हुई है कराची में। इस तरह से सीटें जो है इनको दिए गए ताकि इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो हराम से जो है वो सिलेक्ट होके बैठ जाए कुर्सी में, लेकिन फिर भी इनको उन लोगों से वोट लेने पड़े। जब इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जसीम की अदालतों तक लेके जाएंगे और उन्हीं को नफीस लोग कह के उनसे वोट लिया गया, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे एक बात बता देना, मेयर के चार साल आपने देखे, साबिक मेयर वसीम अख्तर की बात कर रहा हूँ, चार साल जिस तरह से गुजरे, आप लोग उसके ऊपर सियासी बयानबाजी करते रहे, वो भी एंड में रोते धोते चले गए कि मुझे फंड्स नहीं दिए गए, इख्तियारात नहीं दिए गए। आपके एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद कराची शहर की सूरत हाल क्यों नहीं बदली? नहीं, बहुत देखिए बिलाल, बहुत कुछ चीजें जो है वो इस शहर के अंदर बहुत सारी चीजों में चेंजिंग आई है। मुर्तजा कोई एक देखिए, मुर्तजा वहाब भाई जो है वो संजीदगी से काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दो अदवारों में जो इनके मेहर थे उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब जाहिर बात है इतना ज्यादा गन साफ करने के लिए अच्छा। कुछ तो टाइम दरकार होगा। उसी गन को साफ करने के लिए मेयर को बाइख्तियार नहीं किया गया फिर बिल में? नहीं, मेहर इंशाल्लाह बाइख्तियार ही होगा। पीपल्स पार्टी कोई एक मुझे प्रोजेक्ट गिनवा दे इस कराची शहर के अंदर, जब से ये पीटीआई की हुकूमत है, तो सिंध में तो आपकी हुकूमत है और सिंध का हिस्सा है कराची, आप कोई प्रोजेक्ट गिनवा दे मुझे जो कि ग्रीन लाइन तो वो स्टार्ट करके चले गए। एक मिनट, ग्रीन लाइन किसका मंसूबा था? इस तीन साढ़े तीन सालों में इस गवर्नमेंट ने कोई बड़ा मंसूबा किया है? अच्छा मतलब पिछले, अच्छा ये तो फिर आपकी बात से मैं ये समझ लूं, पिछले मंसूबों को मुकम्मल ना करें, अपना नया मंसूबा खड़ा कर दें ताकि अगली हुकूमत आके फिर एक नया मंसूबा करे? नहीं, दूसरों के मंसूबे पर सिर्फ तख्तियां लगाई गई हैं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब अच्छा, पिछली हुकूमत तबाही की तरफ लेके गए, चली गई थी ये ग्रीन लाइन किया इन लोगों और इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन लाइन ना, ग्रीन लाइन पिछली हुकूमत ने मुकम्मल करके चली गई थी। देखें, आपने देखा प्रोजेक्ट किसका था, इफ्तदा किसने किया, एक दिन पहले नून लीग वालों पे तशद्दुद हुआ इस शहर के अंदर। तो जवाब क्या बनता है? हुकूमत इनकी है, कंप्लीट ये कर रहे हैं, तख्ती भी यही लगाएंगे ना, इफ्तिता तो यही करेंगे, या आप जाके खड़े हो जाएंगे या ऑपोजिशन जाके खड़ी हो जाएगी? आधे से ज्यादा वो काम ये लोग कर चुके थे। जरा दिल बड़ा रखते उनको दावत दे देते, उनको भी बुला लेते कि आप लोगों ने इतना बड़ा मंसूबा दिया, आधे से ज्यादा काम आप लोग कर चुके हो, ठीक है, तख्ती लगाने हम जा रहे हैं, आप लोगों को साथ लेके चलते। कभी कभी दिल बड़ा रखना पड़ता है। तो पीपल्स पार्टी ने दिल बड़ा रख के कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए कराची में? देखिए, पीपल्स पार्टी के जो है वो दिल हमेशा से बड़ा है। पीपल्स पार्टी ने इस शहर के रोडों को बेहतर किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो क्यामाड़ी में जो पिकनिक पॉइंट बना है शहरियों के लिए, वो आप देख लें, बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, प्लाजा पार्किंग प्लाजा आप देख लें। देखिए, इस शहर की खूबसूरती के लिए कुछ ना कुछ काम पीपल्स पार्टी ने किया है। इस शहर जो यहाँ पे पर कभी नजर डाली है, इस शहर के कभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर नजर डाली है? जो मेहर यहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने इस शहर के लिए तो कुछ नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ इस शहर को चाइना कटिंग दी है और तो कुछ नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी ने क्या दिया इस शहर को? पीपल्स पार्टी ने इस शहर के रोड, रस्ते, इस शहर के हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं कि दूसरे सुबह से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं कि जो मेयर के अंडर हॉस्पिटल्स आते थे वो भी आपने ले लिए। देखें, आप सुबह जाएं, आप देख लें हॉस्पिटलों में किन किन सुबहों से लोग जो है वो इलाज कराने कराची शहर के अंदर आए हैं। अभी तक मैं ये बात करती हूँ ना कि कराची से कोई इस्लामाबाद नहीं जाता है, इस्लामाबाद से लोग कराची आते हैं इलाज कराने के, लाहौर से लोग कराची आते हैं,
बलूचिस्तान से लोग कराची आते हैं। अच्छा। तो यानी कि सेहत का निजाम है तभी तो लोग आते हैं ना। अंदरूनी सिंध से भी यही आते हैं क्योंकि वहां की भी हालत ऐसी कुछ ज़्यादा है। फ्री इलाज है, नहीं गंबट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा बना है। चलें, जो चीजें हैं उनको आप लोग माने। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहिना शेर अली साहब, हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बिल अब पास करा लिया गया है, अपोजिशन क्या करने जा रही है और अपोजिशन जमातें जिस तरह से सियासी रसाकशी के अंदर मशगूल नजर आती हैं, तो इसमें कराची के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो अपोजिशन कैसे पूरी करने में कामयाब हो सकेगी या पीपल्स पार्टी अपना ही सिक्का जमाए रखेगी? यहाँ पर वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और भी खबरें उस पर भी बात करेंगे।